सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए भले ही कानून बना दिया है, लेकिन एयर कूल्ड कमरों में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस कानून का पालन नहीं हो पा रहा है और जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है वो किसान मुआवजे के लिए आज भी परेशान हो रहे हैं। उमरिया जिले के बरसिंहपुर पाली से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल सका है। यह नजारा बरसिंहपुर पाली ब्लॉक के ग्राम सूखा का है, जहां वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाले किसान ललिता प्रसाद यादव समेत अन्य किसानों की भूमि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। सरकार ने किसानों से भूमि तो ले ली, लेकिन उसके बदले किसानों को ना तो मुआवजा मिला और ना ही उनकी भूमि पर उन्हें वापस कब्जा मिल पा रहा है। आलम यह है कि यहाँ के किसान पिछले 5 वर्षों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब तो यह है कि शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों के कानों तक किसानों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कितना खेत है आपका, कहाँ पे है? 15 एकड़ है सर। कहाँ पे है? ग्राम सूखा वार्ड क्रमांक 1। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या ये है सर कि आज 5 साल से मैं दौड़ रहा हूँ अपने मुआवजा के लिए। हमारी जमीन ये 4 लाइन में गई है, तो मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं, आज तक मुआवजा मिला नहीं उसका। इसकी शिकायत किसके पास कर रही है आपने? SDM के पास तो मैं सैकड़ों बार गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या समस्याएं होती हैं आपको? सर जी, समस्या यही है, पैसा मिल जाता तो हम गरीब हैं, अपने परिवार का पालन पोषण, बच्ची का शादी भी करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दौड़ रहा हूं तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। आप क्या चाहते हैं शासन पर? मैं चाहते हैं सर कि मेरा पैसा मिल जाए तो मैं अपनी बच्ची का शादी करूं। रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, ना हमारे मवेशी को पीने के लिए पानी है, लाइट की सुविधा नहीं है। दूर से मैं अपने खम्भे के बांस के लकड़ी के द्वारा मैं लाइट लाया हूँ, कहीं टूट गई तार आधी तूफान में, ये परेशानी बनी रहती है आयोडीन। ग्राम सूखा के किसानों ने कई बार प्रशासनिक अमले को अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन हर बार सिवाय कोरे आश्वासन के किसानों को कुछ हासिल नहीं हो सका। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने उमरिया कलेक्टर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। ये सूखा गांव का जो अभी जिक्र हुआ, इसके बारे में मैंने SDM से जानकारी प्राप्त की है, तो उनका कहना है कि प्रकरण पूरी तरह से तैयार है और 1 सप्ताह में उनको मुआवजे के भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसानों की भूमि अधिग्रहित करने के बाद मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों का कुछ ऐसा ही हाल है और हर जगह प्रशासनिक अमले द्वारा किसानों को कोरे आश्वासनों का झुंझुना थमाया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर ग्राम सूखा के इन किसानों की भूमि का मुआवजा आखिर कब तक उन्हें मिल पाता है। खबरबार न्यूज के लिए उमरिया से शेख सरताज की रिपोर्ट।